नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक स्कर्ट सेट बना करके दिखाऊंगा जो कि बहुत ही इजी तरीके से है। इसमें अप और डाउन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर तीरे का निशान लगा लेना है। मैं जो तीरा जो रखूंगा वो 7 इंच यानी 14 इंच रखूंगा, और इसकी लंबाई जो है वो है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका पूरा मेजरमेंट। तो सबसे पहले एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली है हमने और एक नीचे लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमारा फ्रंट पैनल होगा। बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है, खुला वाला हिस्सा आपकी तरफ। और 7 इंच हमने तीरा रख करके नीचे भी 7 इंच की आर्म होल की लंबाई रख लेंगे हम। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पर, और नीचे की जो हमारी लेंथ है वो है 26 इंच। तो मैंने इसको 27.5 इंच रखी है, क्योंकि 1.5 इंच मार्जिन के लिए मोड़ने के लिए। इसका नाप 20, 20 और 30 है, यानी कि 40, 40, और नीचे से हम रख देंगे इसको 60 इंच। तो इसका चौथा हिस्सा हमने 10, 10 और नीचे से 15 इंच रख दिया है। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। फिटिंग के निशान है, अब यहाँ पर आर्म होल जितना हमने ऊपर रखा है उतना ही हम नीचे रखेंगे 7 इंच, और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर हम लगभग 1.25 इंच का निशान लगा करके अंदर की तरफ मुड्ढे की गोलाई दे देंगे। ऊपर से हमने 0.5 इंच डाउन करना है तीरे की तरफ से। इस टाइप से हमें इसको 0.5 इंच डाउन करना है, और जो है इसमें नीचे हमने गोलाई देनी है 1.5 इंच ऊपर को डाउन करेंगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, हमने कटिंग कर ली है। अब हमने बैक पैनल काटना है, वो भी इसी तरीके से बिछा लेंगे। बंद वाला हिस्सा अब मैं अपनी तरफ रख लूँगा और खुला हिस्सा आपकी तरफ। इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे हम इसको। ऊपर से आपको 1 इंच ऊपर से बढ़ा के रखना है, क्योंकि जो गला है इसमें हमने बॉटनेक बनाना है, और जब हम बॉटनेक बनाते हैं तो वो जो है पीछे की ओर भागता है, इसलिए हमें 1 इंच ऊपर को एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर हमने आर्म होल 7.5 इंच आगे की तरफ रखा है, जो पीछे के बगल वाली साइड होती है। अगर आप नाप लें बॉडी से तो ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट रहेगा। नीचे को इसकी लंबाई जो हमने 30 इंच रखी है, चूँकि मैंने लंबाई इसकी तैयार 28 इंच रखनी है, मैंने 1.5 इंच या 2 इंच आपको मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे। और 3-3 इंच के हिसाब से मैंने इसमें बराबर निशान लगा लिया है, और इसमें शेप दे देंगे। और यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे इसकी तरफ से, इस टाइप से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने पैनल की कटिंग फ्रंट और बैक दोनों ही कर ली है, अप डाउन तरीके से। फ्रंट पैनल ऊंचा है, बैक पैनल नीचा है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसमें 4 टैब बना ली हैं इसमें डबल डबल करके। अब हम इसमें 3 इंच बाहर की तरफ निकाल करके 21.5 इंच आस्तीन रख लेंगे, और इसको सीधा कर देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 3 इंच हमें ऊपर की तरफ रखना है, और ऊपर से हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना आप घेर रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जितना आपको घेर रखना है। इसकी मोहरी मुझे 10 इंच रखनी है आगे की तरफ से, तो मैं इसको लगभग 15 इंच घेर, जिसमें चुन्नटें डल जाएंगी, आराम से 10 इंच के
घेर में हमारा आराम से आ जाएगा। इसको बिल्कुल जितना हमने ऊपर से रखा है उतना ही नीचे से रख लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग के निशान लगाएंगे, 3 इंच ऊपर को डाउन करके, जितना हमें मुड्ढा चाहिए 10 इंच इस तरीके से, और ऊपर को इसको ड्रॉ कर देंगे और इसको बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों अब हमने इसका बॉटनेक गला काटना है, जो हम आगे की तरफ बनाएंगे, 4.5 इंच नीचे की तरफ, 4.5 इंच ऊपर की तरफ, लंबाई चौड़ाई बराबर, और इस तरीके शेप दे करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। लगभग आपको 1 इंच चौड़ाई इसमें देनी है नीचे की तरफ, जो आपको गला काटना है। दोस्तों देखिए हमारा गला कट चुका है। अब मैं इसको कपड़े पर जड़ लूँगा, यानी कि सिलाई की मदद से। आपके सामने दिख रहा होगा अब मैंने कैसे इस तरीके से लगाया है इसको, इस तरीके से। जो लगभग सिलाई जानते हैं वो जानते होंगे गला कैसे जड़ते हैं कपड़े पर। तो फ्रंट पैनल में हमने बॉटनेक बना लिया है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। लगभग आपको 1 या 1.5 पैर के हिसाब से अंदर मार्जिन छोड़ना है, और इसमें जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हम इसमें कट लगा देंगे। अब मैंने इसका पिछला गला काटना है। पिछला गला काटने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा अगला जो पल्ला है उसके कंधे को इसके ऊपर इस तरीके से रख करके चौक से निशान लगा लेंगे। जितना हमें फालतू हो रहा है उसी उसको हम काट देंगे, और इसका गला जितना, अगर आपको रेडीमेड स्टाइल में रखना है तो आप रेडीमेड स्टाइल में रख लेंगे। 3 इंच लगभग मैंने गहराई में इस गले को काटा है। फारस मट्टी पट्टी की मदद से इस पर हम गले को पलट लेंगे, और हमने इसको इस तरीके से कंधे पर रख करके फिटिंग लगानी है इस तरीके से। तो मैं आपको फारस पट्टी लगा करके दिखाता हूँ कि इसमें कंधे कैसे लगाने हैं और फिटिंग कैसे लगानी है। तो फिटिंग हमने रखनी है इसकी 40 इंच, यानी कि इसका चौथा हिस्सा, सॉरी आधा हिस्सा 20 इंच हो जाएगा। तो 20 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे, 20 इंच का कमर पर निशान लगा लेंगे, और हमने नीचे से जो है वो भी हमने 30 इंच रखना है, यानी कि 60 इंच। अब हमने जो निशान मेन निशान लगाए हैं उन निशानों को आपस में मिला देंगे, और निशानों को मिलाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी फिटिंग कैसे लगाई है मैंने, और नीचे का जो पोर्शन है उसको भी मैं साथों साथ मोड़ दूंगा, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा कि ऊपर से अप डाउन किस तरीके से आया है। मैंने साथ में फिटिंग भी लगा ली है और कंधे भी मोड़ दिए हैं। अब इसकी हम स्लीव्स की, जो स्लीव्स है वो कैसे बनानी है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे किस तरीके से मैं इसकी स्लीव्स बनाऊंगा। स्लीव्स में आपको नीचे ऊपर दो दो कुटके लगा लेने हैं,
बीचों बीच और इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद जो मुड्ढे वाला हिस्सा है इसमें आपको चौड़ी चौड़ी प्लेट्स डालनी है। ये ध्यान रखना है कि जो बीच में कुटका लगाया है उन कुटके के बीचों बीच प्लेट्स के मुंह एक दूसरे की तरफ हो जाएंगे, आमने सामने यानी। और इसमें लगभग 4-5 इंच की यहाँ पर मैं इसको छोड़ करके कुटका लगा लूँगा, यानी कि यहाँ तक हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। और जो कफ वाला हिस्सा होगा उसमें हल्की हल्की चुनटे डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से उसमें मुड्ढे की तरफ प्लेट्स डाली हैं और नीचे की तरफ चुन्नटें डाली हैं। तो जो है आस्तीन का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने इसका कफ बनाना है। कफ के लिए मैंने ये पेपर फ्यूज़ ली है, 3.5 इंच चौड़ी है और 12 इंच लंबी है। अब हम इस कपड़े पर इसको इस तरीके से चिपका लेंगे प्रेस की मदद से। देखिए दोस्तों, मैंने चिपका भी ली है और एक तरफ से इसके ऊपर नीचे कपड़ा रख करके सिलाई लगा करके इसको पलट लेंगे, जैसे कि शर्ट में कफ लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसमें कफ लगाना है। या आप एक तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से हम शर्ट में कॉलर लगाते हैं, उस तरीके से ही हम कफ को लगाएंगे। अब आस्तीन को अब हम उल्टी तरफ से रखना है इसको, जहाँ पर हमने ऊपर हल्की हल्की चुनरी डाली थी, और इसका कफ को खोल करके इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब मैं पूरी शर्ट तैयार करके दिखाता हूँ बिना आस्तीन लगा करके किस तरीके से बन रही है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा स्कर्ट सेट तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।